कबाड़े के गोदाम में लगी अचानक आग। जिला फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय नई बस्ती कोटला रोड के समीप लगी अचानक आग। अज्ञात कारणों से कबाड़े के गोदाम में आग को देखते स्थानीय लोगों ने पुलिस व गोदाम स्वामी बबलू राठौर को दी सूचना। मौके पर पहुंचे पुलिस व दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। किन कारणों से लगी आग पुलिस कर रही छानबीन। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड सीओ कोटला रोड चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिस कर्मी। क्षेत्र में अभी आग लगी है एक कबाड़े के गोदाम में, किस तरह आग लगी है? ऐसा है कि ये फायर स्टेशन फिरोजाबाद को ये सूचना मिली कि एक फैक्ट्री में आग लगी है, तो तत्काल मौके से दो गाड़ियां जो है वहां से प्रस्थान कराया गया। और चूंकि शहर क्षेत्र का मैटर था तो इसलिए मैं खुद जो है पहुंचा तो देखा यहां एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी हुई है और पानी आग की कोई व्यवस्था नहीं है, ऊपर इसका छाजन भी नहीं है, तो इस पे अग्निशमन कार्य किया जा रहा है। बाकी अन्य क्योंकि यहाँ पानी भरने की व्यवस्था है नहीं, तो जिले की अन्य गाड़ियों को भी बुला करके आग बुझाया जा रहा है। बिल्कुल पर्सनल है सर, देखा गया है फिरोजाबाद में तमाम ऐसे कबाड़े के गोदाम है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आग बुझाने के इंतजाम नहीं है, आपके विभाग द्वारा किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? इनकी सूची हम मंगवा रहे हैं और ये सर्च कर रहे हैं इसको खोजवा करके, और इनके यहाँ मानक के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कराने के बाद ही ये चलावें, इसके लिए ऐसा निर्देश दिया जा रहा है। क्या आपके विभागधारण के यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई? नहीं, हमारे विभाग से कोई रजिस्ट्रेशन ये लोग नहीं लेते हैं, और जबकि ये होना चाहिए क्योंकि ये सब आम जनता के अगल बगल, यहाँ जैसा आप देख रहे हैं बगल में गेहूँ का खेत भी है, और इस समय अगर गर्मी के दिनों में अगर आग लग जाती तो यहाँ गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या हो जाती, तो इसलिए इन सबों को चिन्हित करके और थाने से संपर्क करके सूचना कबाड़ियों का ये मंगा करके इस पर फायर सेफ्टी व्यवस्था के निर्देश दिए जाएंगे।